मैं आज आपको चावल दाल बनाना बताऊंगी और साथ में आलू का चोखा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ चावल दाल कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने ये 6 आदमी का चावल लिया है, यानी कि ये 3 पाव है, ठीक है। यार, और दाल है 200 ग्राम, देखिए, ठीक है। ये साफ किया हुआ दाल है और साफ किया हुआ चावल है। तो मैं, और यहाँ देखिए ये पानी है, कुकर में मैंने डाल रखा है, और ये जो बर्तन है इसमें पानी डाल रखा है, ये उबल चुका है। और एक बात बताना चाहूंगी मैं दोस्तों, अगर आपको चावल और दाल बनाना हो तो दाल का पानी भी उबाल लें और चावल का दाल पानी भी अच्छी तरह से उबाल लें। तो सबसे पहले मैं दाल को अच्छी तरह से धुलूंगी। अच्छी तरह से दोस्तों इसका जो जम्स है वो निकल जाए। ये साफ हो चुका है दाल, ये दाल सब कुछ है इसमें, अरहर है, मसूर है, मूंग है, सब मिक्स हूँ कुकर में। याद रहे दोस्तों, अगर 200 ग्राम अगर दाल है आपका तो इसमें 8 लीटर पानी होना चाहिए, सॉरी 4 गिलास पानी। देखिए दोस्तों, ये आलू है, इसको अच्छी तरह से मैं साफ कर रही हूँ ताकि इसका पूरा गंदगी निकल जाए। इसे चोखा बनाएंगे मैं। दोस्तों आलू बिल्कुल साफ हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें, इसलिए डाल रही हूँ कि साफ है, दाल के साथ है आलू भी उबल जाएगा और शॉर्ट टाइम में आपका खाना स्वादिष्ट बनेगा। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक, हल्दी 1 बड़ा चम्मच, अब देखिए दोस्तों पानी उबल चुका है चावल के लिए, इसको मैं धो लूंगी। अगर आप गर्म पानी से चावल को धोते हैं तो चावल एकदम साफ हो जाएंगे। तो मैं ऐसे नाच दे रही हूँ ताकि इसका शुगर गंदगी निकल जाए। तो देखिए कितने साफ हो जाएंगे चावल। अच्छी तरह से साफ कर लें चावल को, ताकि हम लोग यही चावल हम लोग खुद खाते हैं पर गंदगी चावल पानी में रह जाता है, इसलिए अच्छी तरह से धुल लेते हैं। पानी निकल रहा है, गंदा गंदा पानी। साफ हो चुका है, मैं चावल को बर्तन में डालूंगी।
याद रहे दोस्तों, अगर आपका चावल है आपका 3 पाव तो पानी आपको पर डबल लेना चाहिए ताकि वो चावल अच्छी तरह से पके और सूखा रहे। इसे मैं 20 मिनट पकाऊंगी। दोस्तों पहले चावल को डालने के बाद उसको मिला देंगे, उसको थोड़ा ढक देंगे, ढकने के बाद थोड़ा उबाल आ जाएगा तो मैं ढक्कन निकाल दूंगी और ये दाल जो है आपको 10 मिनट में पक जाएंगे। सही दोस्तों जी, कुछ टाइम लगेगा तो हम पकने के बाद मैं फिर से प्रक्रिया स्टार्ट करूंगी। ठीक है दोस्तों, ये खान आ रहा है, मैं इसे हटा दूंगी और थोड़ा भिजा दूंगी और ये देखिए अच्छी तरह से पक जाएंगे। अपने बाद फिर मैं मिलती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चावल पकने वाला है, 5 मिनट और आँच को धीमी कर दूंगी और थोड़ा भर दूंगी। दाल बिल्कुल पक गए हैं, इसे खोल खोल लूंगी। आलू के टोके तैयार कर लूंगी, उसके लिए मैं मिक्सी काट लूंगी, मिक्सी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। पैसे बिल्कुल गर्म हो चुके हैं, सरसों तेल को बर्तन में गर्म होने के बाद मैं इसमें मिर्ची डालूंगी। और मिर्च को मैं लाल होने तक पकने दूंगी। आलू को मैं निकालूंगी, आलू भी बिल्कुल पक चुके हैं। मैं इसको निकालूंगी फिर दाल को, लाल होने तक पकाऊंगी ताकि मिर्च का टेस्ट आ जाए। चुके हैं लाल हो चुके हैं तो मैं बर्तन में डालूंगी और ढक दूंगी। अब मैं फिर से ये कलछी को गर्म करूंगी दाल में तड़के लगाने के लिए। थोड़ा मैं अपने मीठा डालूंगी, देखिए दोस्तों छोटी चम्मच से आधा चम्मच, इसमें लाल होने तक मैं इसे
फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर हींग भी डाल सकते हैं। जीरा के साथ हींग मिर्च भी डालने से स्वादिष्ट होते हैं दाल। दाल हो चुके हैं, याद रहे दोस्तों ज्यादा लाल ना करें। ज्यादा लाल करने से ये थोड़ा जले का स्मेल आ जाएगा। भूरे हो चुके हैं, मिर्ची भी रेड हो चुके हैं। मैं दाल में डालूंगी मिक्स करने के बाद इसे मैं ढक दूंगा, इसका टेस्ट इसमें रह जाए। दोस्तों आलू को मैं ठंडा कर रही हूँ, बहुत ही गर्म है, गर्म आलू कभी नहीं आप टच कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा ठंडा कर ले। ठंडा होने के बाद, थोड़ा ठंडा हो चुके हैं, इसको अच्छी तरह से छील ले। छिल चुके हैं, गया भी थोड़ा। देखिए दोस्तों आलू मैंने छिल लिया है, मैं डालूंगी। डालने के बाद अच्छी तरह से मैश लूंगी। इसको गरम गरम ही बनाए, गरम बनाने से चोखे में टेस्ट आता है। अगर आप छोड़ देंगे ठंडे होने के लिए तो आलू का टेस्ट खराब हो जाता है। स्वाद अनुसार नमक डालें। अच्छी तरह से मैश करें। तैयार है, देखिए बन चुके हैं। देखिए दोस्तों चावल पूरे पक चुके हैं, आप इसको थोड़ा सा हाथ से दबा के देख सकते हैं। देखिए देखिए पक चुके हैं चावल। अब इसको पानी में निकालें। चावल का पानी निकाल रही हूँ। दोस्तों देसी लैंग्वेज में इसे माड़ बोलते हैं और यह बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। चाहो तो आप इसे किसी ग्लास में ठंडा करके पी सकते हो और बहुत ही पौष्टिकदायक होता है ये माड़। देखिए दोस्तों मैं चावल का पानी निकाल चुकी हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा चावल और नमक और घी डाल के खा सकते हैं, काफी पौष्टिक है, इससे फायदा होगा। अगर आप थिन हैं तो आप इसे खाइए, आप देखिए 1 मंथ में ही आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। देखिए दोस्तों चावल बिल्कुल पक चुका है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए सूखा है,
एकदम कोई भी इसमें पानी नहीं है, थोड़ा सा भी इसे आप आराम से खा सकते हैं। चलिए मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। रेडी। तो ये दोस्तों ये करेले हैं, मैं काट रही हूँ इसको, इसे मैं भुंजिया बनाऊंगी। चावल दाल और चोखा के साथ ये करेले के भुंजिया और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अब इसको मैं एकदम पतला पतला काट लूंगी, एकदम बारीक, ताकि ये क्रिस्पी हो फ्राई करने के बाद। मेरे दोस्तों मैंने इसको भून लिया है, पानी को मैं निकाल दूंगी। दोस्तों मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, इसे मैं फ्राई करूंगी इस करेले को। देख लीजिए तेल फ्राई होने लगा, डालूंगी मैं काफी है, इसमें गर्म कर लूंगी। गर्म हो चुके हैं, सुनते रहूंगी। देखिए दोस्तों ये रोल चुके हैं करेले, हम इसमें हल्दी और नमक डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी दो चुटकी, स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। थोड़ा नमक और डालूंगी क्योंकि करेला थोड़ा तीखा होता है। इसे थोड़ा चलाते रहने दोस्तों, रेड हो चुके हैं, थोड़ा सा और करूंगी तो और फ्राई करूंगी ताकि इसमें नमक और हल्दी मिक्स हो जाए। हेलो दोस्तों, मैं माउंटेन लेपर्ड महेंद्रा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे दाल चावल बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट भोजन है और शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और अपने जीवन में शाकाहार को अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, सुख रहें और डॉक्टर के पास जाने से बचें। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये चावल है, ये दाल है, आपने देखा कि कैसे बनता है, और ये खीरे की सलाद है, एक गिलास पानी है, और ये चोखा है, दो मिर्च है, और ये करेले की भुजिया है। कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, दाल चावल सैलेड्स एंड भुजिया और चोखा। और हाँ दोस्तों, हो सके तो जमीन पर पालथी मारकर बैठे ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह स्ट्रांग हो और हमेशा आपकी जो स्वास्थ्य, जो आपके पेट की समस्या रहती है वो अच्छी रहेगी पालथी मारकर बैठकर खाने से। और हो सके तो डाइनिंग टेबल को अवॉइड करें और पालथी मारकर ही खाना खाएं बैठकर, और हमेशा शाकाहार को अपनाएं। धन्यवाद।